हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेनी एकेडमी। सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द ऑल अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स फॉर चैप्टर नंबर 7। तो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए। चैप्टर नंबर 7 का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे जितने भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के। ओके, सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 7 का नाम है और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहीं पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स, और ये इंस्टा आईडी यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास गिवन है, अ ग्लास फ्लास्क हैज़ अ वॉल्यूम 1×10⁴ m³। इट इज़ फिल्ड विद द लिक्विड एट द 30°C इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रेज्ड 200°C। नेक्स्ट दे हाउ मच ऑफ द लिक्विड विल ओवरफ्लो। ओके, तो कितना लिक्विड ओवरफ्लो हो रहा है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दिया, दैट मीन्स आपको गिवन है वी ऑफ ग्लास। तो ग्लास का यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है, ग्लास का वैल्यू कितना आएगा 1.2×10⁵। ओके, और पर डिग्री सेल्सियस। और ये जो दिया है नेक्स्ट आपको गामा ऑफ लिक्विड गिवन है। तो मैं यहीं पर क्वेश्चन में आपको गिवन डाटा बता दिया कि किस टाइप से आप लोग को वैल्यू गिवन है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हम लोग, अगर हम लोग और भी गिवन डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको जो फर्स्ट वैल्यू दिया 1×10⁻⁴, ये -4 है। ठीक है, ये -4 है। तो ये जो वैल्यू दिया इट इज़ नथिंग बट व्हाट ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको हम लोग किसे प्रोवाइड करते हैं, V1 से। ओके, एंड 30°C यहाँ पे क्या गिवन है, T1। ओके, तो अगर क्वेश्चन आप लोग को फाइंड आउट करने आ गया, क्वेश्चन में से गिवन डेटा फाइंड आउट करने आ गया, तो आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 100°C ये क्या आपको T2 गिवन है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास सब कुछ डेटा गिवन है। अब यहाँ से हमको पूछा क्या उसने, देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, जैसे समझ लो हमारे पास ग्लास का फ्लास्क है। ठीक है, उसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, उसके अंदर लिक्विड फिल है। ठीक है, लिक्विड फिल इसके अंदर हम लोग ने जैसे ही देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक टाइप का ग्लास है। ठीक है, ग्लास का वॉल्यूम दिया और जो भी उसके डेटा है वो सब गिवन है, और साथ ही साथ हम लोग को ना एक और भी यहाँ पे लिक्विड दिया हुआ है। ठीक है, लिक्विड यहाँ पे फिल होने के पहले की बात कर रहा हूँ, तो लिक्विड भी अपने पास गिवन है। ओके, तो ये जो ग्लास रहेगा, ग्लास का जितना भी वॉल्यूम रहेगा और लिक्विड का जितना भी वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम का अगर हम फाइंड आउट करेंगे और ये बाद में लिक्विड इसके अंदर पोर करना स्टार्ट करेंगे, अगर जितना ज़्यादा लिक्विड का वॉल्यूम अगर इससे ज़्यादा हो गया, अगर ग्लास का वॉल्यूम से ज़्यादा लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम रहेगा वो क्या होगा, बाहर ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, उसी वॉल्यूम को यहाँ पे फाइंड आउट करना हमको। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं इस चीज़ को। देखो हमको यहाँ पे ग्लास का फ्लास्क दिया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम जो भी रहेगा V1, V2, V3, तो वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, उस वॉल्यूम को फाइंड आउट तो कर लिया हमने, और साथ ही साथ हम लोग ने एक और यहाँ पे जो लिक्विड दिया था उस लिक्विड के भी वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, तो लिक्विड का भी यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा, जितना भी लिक्विड रहेगा। उस लिक्विड को हम लोग जब इसमें ग्लास फ्लास्क में पोर करना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा तो वो बाहर क्या ओवरफ्लो करेगा। ठीक है, उसी ओवरफ्लो को यहाँ पे कैलकुलेट करना हमको। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन समझ गए रहेंगे किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन हम लोग आगे मूव करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक फार्मूले की बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, गामा वाला। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फार्मूला क्या अपने पास, V2 - V1 / में क्या है, V1 मल्टीप्लाई बाय T2 - T1। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है, बट उसके पहले हमको इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज़ V2 - V1, इस तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा γ V1 × T2 - T1। ओके, तो यहाँ पे हमको इस टाइप से ये जो मिल रहा है डेल्टा V, इट इज़ नथिंग बट वॉट चेंज इन वॉल्यूम ऑन इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्लास के लिए फाइंड आउट करते हैं, फॉर ग्लास बीकर, और ग्लास भी यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम और इंक्रीज वॉल्यूम फॉर ग्लास के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेंज इन वॉल्यूम फॉर ग्लास। ओके, फार्मूला कौन सा आएगा, फार्मूला ये सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट होने वाला है। तो गामा ऑफ यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम लोग, ग्लास। तो गामा ऑफ ग्लास गिवन था अपने को 1.2, तो ये इसको हम लोग यूज़ करेंगे 1.2×10⁻⁵ और मल्टीप्लाई बाय V1 वैल्यू मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमको ओरिजिनल वॉल्यूम कितना दिया है, 1×10⁻⁴, तो डायरेक्ट मैं 10⁻⁴ यूज़ कर रहा हूँ, और T2 - T1। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या अपने पास, T2 100 था और T1 कितना है, 30। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से मैं इसको सॉल्व कर दिया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिलेगा 84। ओके,
84 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 10^-9 यूनिट क्या आएगा मीटर क्यूब। ओके तो ये ग्लास का आपको यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास जो मटेरियल है वो क्या है लिक्विड। ओके तो लिक्विड के भी यहाँ पे हम लोग चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे। तो लिक्विड का हम लोग चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो डेल्टा वी ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, पहले क्या था यहाँ पे गामा, तो गामा यूज़ करेंगे, तो गामा ऑफ लिक्विड आएगा कितना दिया 75 × 10^-5। ओके मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है, सॉरी ओरिजिनल वॉल्यूम कितना दिया है 10^-4। और अगेन हमको हमारे पास टेम्परेचर चेंज कितना आएगा 100 − 30। ओके तो अगेन यहाँ पे आप वैल्यू की बात करोगे तो बेसिक जो हमारे पास वैल्यू मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, सेकंड वाले के लिए जो हमारे पास वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 5250 मल्टीप्लाई बाय 10^-9 मीटर क्यूब। ओके अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करना था, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज वॉल्यूम कैसे मिलेगा, देखो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका ज़्यादा है, लिक्विड का। अब यहाँ पे अगर लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो लिक्विड जब इसमें ग्लास में हम लोग डाल देंगे पूरा फिल कर देंगे तो वो बाहर गिरेगा ना एक्स्ट्रा वाला वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच ओवरफ्लो। ओके तो जो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ओवरफ्लो हुआ वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास 5250 मल्टीप्लाई बाय 10^ क्या है यहाँ पे -9, माइनस करना हमको 84 × 10^-9 से। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू था उसको हमने फ्रंट में लिया और जो लेसर वैल्यू था उसको मैंने बाद में लिया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपको मे बी आंसर मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम आएगा आपको, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो इसका आंसर आएगा 5166 मल्टीप्लाई बाय 10^-9 मीटर क्यूब। ओके तो ये जो हमको आंसर मिला इट इज़ नथिंग बट व्हाट, इतना ही वॉल्यूम यहाँ पे क्या होने वाला है, ओवरफ्लो करने वाला। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ करना क्या, देखो क्या बोला है, विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी हीटिंग 2 kg ब्लॉक ऑफ लीड बाय 30 केल्विन और हीटिंग 4 kg ब्लॉक ऑफ कॉपर बाय 5 केल्विन। ओके, साथ में लीड का हमको यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी दिया हुआ और कॉपर का भी दिया हुआ। ओके तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना हमको, पहले तो हम लोग अगर लीड की बात करें तो लीड का यहाँ पे देखो बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना, कौन सा स्पेसिफिक कैपेसिटी का, एम एस इंटू क्या आएगा डेल्टा टी। ओके तो एम का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग लीड की पहले लीड का लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको क्यू ऑफ लीड मिलेगा। ठीक है, तो क्यू ऑफ लीड, लीड का मास हमको 2 kg और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया, सॉरी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या दिया अपने पास लीड के लिए दिया है 128। ओके और चेंज इन टेम्परेचर अपने पास ये जो 30 गिवन है डायरेक्टली हमको क्या दिया हुआ, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। ओके सो यहाँ पर डायरेक्टली आपको 30 पुट कर लेना और ये जो भी आंसर मिलेगा वो आपको फाइंड आउट कर लेना। सेम एज इट इज़ हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे कॉपर के लिए। ओके तो क्यू ऑफ कॉपर जब फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, अगेन मास इसका अलग दिया हुआ है 4 × S भी अलग दिया है 387 और नेक्स्ट रहेगा 30, टेम्परेचर तो सेम है तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में से जिसका भी ग्रेटर आएगा वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आप लोग फाइंड आउट कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे क्या पूछा है, एनर्जी नीडेड टू चेंज द 5 ग्राम ऑफ वाटर। ओके तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को सीटी में कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग गिवन डेटा की बात करते हैं तो गिवन अपने पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके तो 2.26 × 10^6 ये जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया है जो कि लैटेंट हीट टाइप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं है इसको, जस्ट हम लोग क्या करना है यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना और सॉल्व कर लेना। तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट, आप लोग को ये बेसिक फार्मूला यूज़ करना है जो कि मैंने आप लोग को सॉल्व एग्जांपल बोला था करने के लिए, अगर आप लोगों ने सॉल्व एग्जांपल किए होंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेट करना है तो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आपके लिए लैटेंट के लिए कुछ इस टाइप से एनर्जी मिलेगा, एम इंटू क्या आएगा एल ऑफ वेपराइजेशन। ओके तो एल के यहाँ पे वेपराइजेशन, लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन। ओके यहाँ पे अगर 5 ग्राम की बात करो तो आपको मास दिया हुआ है 100 °C, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, और ये जो दिया है लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन ये हमको दिया है, ये जो दिया ना ये वाला वैल्यू क्या है एल ऑफ वेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यू पुट करना बहुत ईजी है, तो यहाँ पे अपने मास दिया है 5 ग्राम तो हमको क्या करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, तो 5 × 10^-3 और एल ऑफ वेपर जो हमारे पास वैल्यू है वो कितना है 2.26 × 10^6। ओके इसको जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो फाइनल आंसर आपको मैं बता देता हूँ 1.13 × 10^4
जूल, यूनिट क्या आएगा, जूल आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल था। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने क्या पास क्या गिवन है, मेटल स्फीयर। ठीक है, क्या दिया हुआ, मेटल स्फीयर कूल्स एट द रेट ऑफ 0.05 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमको 0.05 जो दिया है वैल्यू, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड में गिवन है। तो क्वेश्चन का जो डेटा है अगर उसके थ्रू आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो 0.05 दिया है तो 0.05 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड गिवन था। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट होता है, टेम्परेचर का, और सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का। बट इस टाइप को हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ा, तो हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसको डेटा को लिख लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा दिया हुआ है वो देखते हैं क्या गिवन है। टेम्परेचर गिवन है 70 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ T1 कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट अगेन हमको रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रेट हो गया। ठीक है, सेकेंड रेट की हम बात करेंगे dT/dt। और सेकेंड रेट हमको अगेन गिवन है कितना, 0.025 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट अगर टेम्परेचर दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो T2 का वैल्यू आपको दिया है 50 डिग्री सेल्सियस। और कुछ यहाँ पे दिया है, यस, यहाँ पे एक और दिया हमको, सराउंडिंग डिटरमाइन करना है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड द फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग। ओके, रेट ऑफ कूलिंग भी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे दिया है टेम्परेचर ऑफ मेटल स्फीयर। ओके, तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, जो कि नेक्स्ट वाले T3 का वैल्यू दिया है, नेक्स्ट मेटल स्फीयर का 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका हमको देखो, इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, dT/dt पावर 3, मतलब किसके लिए हम लोग फाइंड आउट करें, इसके लिए। तो इसके हमको क्या फाइंड आउट करना है, हीट रेट फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ कूलिंग कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ हमको सराउंडिंग टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो इतना सब डेटा गिवन है, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर अगर हम लोग बेसिक फॉर्मूले सब पढ़े रहेंगे और पूरा क्लास किए रहेंगे आप लोग, तो आप लोगों को मालूम पड़ा होगा यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, dT/dt इज इक्वल्स टू क्या था, C क्या था, कांस्टेंट, T-T0। ओके, इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के लिए यूज़ करूँगा, तो dT/dt क्या आएगा, dT/1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C×T1-T0। ओके, तो फर्स्ट में हमारे पास 0.05 वैल्यू दिया था, ये पुट किया मैंने, सी का वैल्यू अननोन है तो उसको ऐसे रखा। T1 भी दिया है फर्स्ट वाले में, 70 डिग्री सेल्सियस है ना, ये देखो दिया है 70 माइनस टी नॉट तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाले वैल्यू के लिए पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो 0.025 है ना। अब मैं यही फॉर्मूला सेम सेकेंड वाले के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, 0.025 मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल टू सी इंटू क्या आएगा, सेकेंड टेम्परेचर अपने को दिया 50 माइनस T0। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग ने इस दोनों इक्वेशन को ना डिवाइड करेंगे इस टाइप से, तो CC विल बी कैंसल। यहाँ से हमको इसको जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेना, जैसे हम लोग ने इक्वेशन को पढ़ा था सॉल्व करने के लिए पहले कभी। ठीक है, उसी टाइप से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, और यहीं से हमको क्या मिल जाएगा, T0 का वैल्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको T0 का वैल्यू मिलेगा अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, 30 डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे T0 का वैल्यू मिलेगा। और बट हमको T0 का वैल्यू तो चाहिए था, और साथ ही साथ हमको ये dT/dt के लिए भी निकालना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है किसके लिए, थर्ड के लिए। ओके, इंटू सी यूज़ करना है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, T3 माइनस T0। ओके, तो T3 तो वैल्यू दिया था आपको, T0 भी यहाँ पे मिल गया चुका है हमको, और यहाँ से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, dT/dt, बट सी अननोन है। ओके, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, ये दोनों इक्वेशन में से जैसे हमको यहाँ पे T0 मिलना है 30, तो ये दोनों इक्वेशन में से हमको करना है, ये दोनों इक्वेशन में से T0 का 30 का वैल्यू इसमें से पुट कर लेना, और यहीं से सी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सी का वैल्यू किसी भी T0 में वैल्यू पुट कर लो, किसी भी दोनों इक्वेशन में से, और सी का वैल्यू पुट कर लो, सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और वो सी का वैल्यू आपको मिलेगा अराउंड 0.05/40। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय T3 का वैल्यू दिया ही था, 40 माइनस T0 हमने फाइंड आउट किया, और उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ओके, तो ये dT/dt का थर्ड आंसर हमको मिल गया, तो ये आंसर मिलेगा और ये आंसर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया रहेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, वन लाइनर आंसर है, द वॉल्यूम ऑफ गैस वेरिड लिनियरली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ इट्स प्रेशर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट। ओके, अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट है। ओके, लिनियरली और वेरी भी कर रहा है। तो सपोज द गैस डज नॉट लिक्विफाई इवन एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वॉट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ग्लास बी आइडियली जीरो। ओके,
तो देखो इस टाइप से हम लोग कभी आप लोगों को कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा रहेगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर हम लोगों ने कुछ रखा है, टेम्परेचर लाइन यहाँ पर रखा हो, तो यहाँ से अपना रेंजिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। इस टाइप से टेम्परेचर का रेंज, इस टाइप से हमारा कैलकुलेशन होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या रहता है, -273 केल्विन टेम्परेचर रहता है, यहाँ पर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन बोलोगे तो 273 केल्विन रहता है, ओके। तो यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमको यहीं पर मिलता है। तो यही अपना क्या रहेगा, आइडियली ज़ीरो, मतलब यहीं पे अपने को क्या मिलने वाला है, टेम्परेचर मिलेगा, ओके। तो यही वैल्यू हमको मिलेगा, कभी कभी -273 के फॉर्म में भी लिखते हैं, ओके। तो बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, सिर्फ वही उतना ही आंसर लिखना है वहाँ पे, 273, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना वहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पे इन ओल्डन डेज, ओके, ओल्डन डेज वाइल लेइंग द रेल्स फॉर द ट्रेन्स, स्मॉल गैप्स यूज टू द लेफ्ट बिटवीन द रेल्स सेक्शन टू अलाउ फॉर द थर्मल एक्सपेंशन, ओके। तो इस टाइप से हमारे पास रेल होता है, तो जब हम लोग एंशिएंट टाइम, मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था मटेरियल्स के, तो उस टाइम पे ये सब हम लोग वहाँ पे रखते थे कि कभी जो समर सीजन आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे उसके अंदर एक्सपेंशन होने के चांसेस होते थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको उसको डिज़ाइन भी करना पड़ता था। नेक्स्ट यहाँ पे गिवन डेटा क्या है, सपोज द रेल्स आर लेड एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द इन रीजन इज 45 डिग्री सेल्सियस एंड द लेंथ ऑफ इच रेल सेक्शन इज 10 मीटर, वॉट शुड बी द गैप बिटवीन द गिवन गैप लेफ्ट गिवन दैट अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे दिया है फॉर द मटेरियल ऑफ द रेल सेक्शन, ओके। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है गिवन डेटा से, आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना हमको, चेंज इन लेंथ, ओके। तो चेंज इन लेंथ के लिए बेसिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा, अल्फा कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि अल्फा गिवन था, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L2 - L1 अपॉन में क्या है, L1 मल्टीप्लाई बाय T2 - T1, ओके। तो यहाँ पे L2 - L1 इज नथिंग बट वॉट, चेंज इन लेंथ, और यही तो फाइंड आउट करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय T2 - T1। सो अल्फा का वैल्यू दिया था 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power क्या आएगा, -5, ओके। सो -5 मल्टीप्लाई बाय L1 कितना दिया हमको, 10 मीटर, और साथ ही में हमको यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी दिया था, यस 45 - 27, ओके। देखो जब भी हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में टेम्परेचर पुट करेंगे तो वहाँ पे केल्विन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंस होने वाला है। अगर तुम केल्विन के फॉर्म में रखोगे तो भी सेम ही मिलता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो 2.16 × 10⁻³ मीटर मिलेगा, ओके। एमएम में कन्वर्ट करोगे तो 2.16 mm भी आपको यहाँ पे आंसर दिखेगा, ओके। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ने दिया है, ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ द वुडन व्हील ऑफ बुलक कार्ट, द डायमीटर ऑफ द वुडन रिम एंड द आयरन रिंग आर 1.5 and 1.4 cm, ओके। तो यहाँ पे हमको डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ऑफ वन दिया है 1.47 मीटर, और डायमीटर ऑफ टू कितना दिया है 1.5 मीटर, ओके। तो यहाँ पे मुझे कैसे मालूम पड़ा D1 कौन सा, D2 कौन सा है, तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि जो फार्मूला हमारे पास मिलता है वो फार्मूला बेसिक वाले कौन से मिलते हैं, D2 - D1, ओके। तो इसलिए मैंने D1 को छोटा रखा है, D2 को बड़ा रखा है। तो अल्फा इज इक्वल्स T2 - D1 इंटू क्या आएगा, D1 मल्टीप्लाई बाय T2 - T1, ओके। तो D यहाँ पे डायमीटर के फॉर्म में दिया, बट डायमीटर इज नथिंग बट द टाइप ऑफ लेंथ, इसलिए हम लोगों ने लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा देखोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आपको T1 टेम्परेचर दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अल्फा का भी वैल्यू दिया हुआ है, ओके। अब वैल्यू पुट करना और सिंपली सॉल्व कर लेना आपको, और यहाँ से आपको T2 फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। वैल्यू पुट करके आपको फाइंड आउट कर लेना, तो ये मैं यहाँ पे आपको डेटा बता दिया और आपको सॉल्व कर लेना, आंसर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो T2 का आंसर आपको मिलेगा 1727.7 डिग्री सेल्सियस समथिंग, यहाँ पे आपको आंसर दिखने वाला है, ओके। अगर कोई भी आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, तो मैं कैलकुलेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, ओके। नाउ नेक्स्ट है, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको CET JEE में, नीट में, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन CET JEE नीट में बहुत ज़्यादा चांसेस आने के चांसेस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका ट्रिक है, ट्रिक के फॉर्म में यूज़ करना है। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं डिग्री एक्स वाले पैरामीटर्स, यहाँ पे यूज़ करूँगा डिग्री सेल्सियस वाले पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिया हुआ है वैल्यू इन रैंडम टेम्परेचर स्केल एक्स, वाटर बॉयल्स एट 200 डिग्री सेल्सियस, ओके। वाटर कितने पर बॉयल हो रहा है, 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे मैं वाटर बॉयलिंग का एक्स के सामने लिखूँगा, 200 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल होगा, और
फ्रिज होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे बॉयल्स का हो गया, यहाँ पे फ्रिज का हो गया। ओके प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पूछा फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन दिस स्केल इट बॉइल्स 62 डिग्री सेल्सियस। ओके तो वहाँ पे कितना पूछा है कि 62 डिग्री सेल्सियस पे कितना बॉयल करेगा। ओके अब देखो डिग्री सेल्सियस पूछा है, मतलब ये वाटर की बात किया उसने, तो वाटर का हम एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। वाटर बॉयल कब करेगा, देखो ये बॉयल के सामने बॉयल लिखना है ना, बॉयल के सामने बॉयल, तो वाटर बॉयल कब करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर फ्रिज कब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके और 62 डिग्री सेल्सियस पे पूछा है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो बीच में 62 आएगा, तो यहाँ पे पूछा कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं टी मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि यही हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको बेसिक्स यूज़ करना है। बेसिक क्या यूज़ करना है आपको, इंटरपोलेशन यूज़ करना है मैथ्स का बेसिक। ओके तो देखो फर्स्ट को मैं फर्स्ट को लास्ट से माइनस कर रहा हूँ उसके साथ में, तो 200 माइनस क्या आ गया 20। ओके अपॉन में मैं नेक्स्ट टी माइनस 20 कर रहा हूँ, मतलब सेकेंड को लास्ट से माइनस किया तो टी माइनस 20 हो गया। फिर इक्वल टू लिखेंगे हम, उसके बाद देखो जैसे हम लोग ने इस साइड लेफ्ट में किया था ना फर्स्ट को लास्ट से माइनस, सेम इज इट इज़ राइट में करना है, तो 100 माइनस लास्ट कितना 100 माइनस 0, और फिर सेकंड को थर्ड से किया तो सेकंड को थर्ड से करेंगे तो 62 माइनस कितना आ जाएगा 0। ओके यहीं से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा, और टी का वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे भी आपको पॉसिबिलिटी होगी, जैसे ही आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करोगे आपको टी का फाइनल आंसर दिख जाएगा। तो मैं आपको इसका फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा आप लोग फाइंड आउट कर लेना। एक्चुअली मेरे पास है नहीं डायरेक्ट फाइनल आंसर यहाँ पे बताने के लिए आपको, सो आप लोग वहाँ से चलो ठीक है मिल गया, तो यहाँ आपको फाइनल आंसर मिलेगा 131.6 डिग्री एक्स। ओके तो ये अननोन वाले वैल्यू है ना, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से इसको सिम्प्लीफाई करना। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, अ गैस एट 900 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड अंटिल द बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम इज हेल्ड। हेल्ड का मीनिंग क्या होता है हाफ। ओके देखो इनिशियल हमारे पास प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था एंड वॉल्यूम V1 था। सेकेंड में अपने पास प्रेशर P2 था, T1 T2 था, मतलब टेम्परेचर T2 था और वॉल्यूम V2 था। ओके अब प्रेशर एंड वॉल्यूम को क्या बोला, वो फर्स्ट का हाफ है ना, फर्स्ट का हाफ है, मतलब P2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा P1/2, फर्स्ट का हाफ हो गया है ना। वॉल्यूम क्या आएगा V2 इज इक्वल्स टू V1/2, मतलब फर्स्ट का हाफ हो गया। बट टेम्परेचर के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, बट टेम्परेचर के बारे में बोला नहीं क्यों, क्योंकि T2 तो उसने पूछ लिया है ना, तो T2 उसने पूछा बट T1 का वैल्यू उसने प्रोवाइड किया, कितना प्रोवाइड किया 900 डिग्री सेल्सियस। ओके तो 900 डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू प्रोवाइड किया उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कौन सा इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू NRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो NR यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आएगा PV/T इज इक्वल्स टू आएगा फिर से PV/T, बट यहाँ पे हम लोग 1-1 के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम 2-2 के लिए यूज़ करेंगे। ओके तो P1V1 तो एज इट इज रहेगा, P1V1 T1 के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे 900, बट इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कैल्विन में। ओके कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है ना आइडियल गैस इक्वेशन उसमें हम कैल्विन में पुट करते हैं। ओके P2 हमारे पास क्या है, देखो P1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P1/2, और V2 क्या है V1/2 लिखेंगे, डिवाइड बाय में T2 हमको फाइंड आउट करना। ओके तो P1V1 कैंसिल हो गया, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको T2 का वैल्यू मिल जाएगा अराउंड 293.29 केल्विन। ओके तो ये इस टाइप से आपको T2 का वैल्यू मिल गया। सो 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10 जो कि थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की नीड है। ओके तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास दिया एल्यूमिनियम रॉड एंड आयरन रॉड शो 1.5 मीटर। ओके तो यहाँ पे 1.5 मीटर हमको एल्यूमिनियम रॉड और आयरन रॉड का यहाँ पे लेंथ दिखी हुई है। ओके तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम माइनस लेंथ ऑफ किसका दिया आयरन। ओके और डिफरेंस कितना दिया 1.5 मीटर, तो यहाँ पे जो हमको डिफरेंस दिया ना 1.5 मीटर, सिर्फ यहाँ पे करना कि आपको देखो 1.5 मीटर दिया ना, यहाँ पे हमको पता नहीं है किसका, ठीक है एल्यूमिनियम आयरन का। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते डिफरेंस इन द लेंथ व्हेन द हीटेड एट ऑल टेम्परेचर व्हाट आर देयर लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उनका लेंथ क्या होगा, मतलब लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा, और लेंथ ऑफ नेक्स्ट क्या पूछा था आयरन। ओके आयरन का लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा क्वेश्चन पूछा। ओके कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमको एल्यूमिनियम और आयरन का दे दिया। ओके ठीक है देखो स्टूडेंट्स इस टाइप क्वेश्चन अगेन हमको सॉल्व करने के लिए बेसिक वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्या अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला L2 माइनस L1 अपॉन में क्या आएगा
एल वन मल्टीप्लाई बाई एल वन अपॉन में जाएगा टी टू माइनस टी वन। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहीं से हमको फाइंड आउट करना है एल टू का फॉर्मूला। तो एल टू का फॉर्मूला जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एल वन प्लस लेंथ ऑफ एल वन इंटू क्या आएगा, लेंथ ऑफ नहीं एल वन, हाँ एल वन आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू फिर से एल वन आएगा और यहाँ पर आएगा टी टू माइनस टी वन। ओके, तो ये हम लोग को इस टाइप से फॉर्मूला मिल रहा है। अब इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ इन द टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड इन द टर्म्स ऑफ आयरन। ओके, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ इसको। तो एल्यूमिनियम के टर्म में मैंने इसको टू लिखा और यहीं पे एल ऑफ एल्यूमिनियम के टर्म में वन लिखा प्लस अल्फ़ा एल ऑफ एल्यूमिनियम के टर्म में फिर से वन लिखा और यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई रहेगा ना। ओके, यहाँ पे आएगा डेल्टा टी। ओके, अब इसी को मैं इसको लिखने वाला हूँ इन द टर्म्स ऑफ आयरन। तो आयरन के लिए हम लोग लिखा हमने यहाँ पे टू और नेक्स्ट यहाँ पे आएगा आयरन के लिए वन और प्लस अल्फ़ा इंटू लेंथ ऑफ आयरन अगेन आएगा और यहाँ पे फिर से आएगा डेल्टा टी। ओके, इस टाइप से मैंने एल्यूमिनियम और आयरन के लिए दोनों के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स आप लोग किस टाइप से सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंस निकालोगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ टू माइनस, इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ वन है ना, और इक्वल टू आएगा अल्फ़ा लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ वन इंटू डेल्टा टी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट में हमको मिलेगा सेम एज इट इज़ लेंथ ऑफ आयरन ऑफ टू माइनस लेंथ ऑफ आयरन ऑफ वन इक्वल टू अल्फा इंटू लेंथ ऑफ आयरन ऑफ वन इंटू क्या डेल्टा टी। ओके, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जो हमको गिवन डेटा था गिवन में हमको ये जो पार्ट है ना ये वन वन का गिवन था है ना, क्योंकि टू टू का तो पूछा था तो वन वन का गिवन है। अगर ये वन वन का गिवन है तो ध्यान से देखना अगर इसका डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, अगर इसका डिफरेंस, कौन से डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ये वाला डिफरेंस, अगर इसका डिफरेंस सेम है तो इसका भी डिफरेंस सेम होगा ना। कैसे मानना पड़ रहा है इसका डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, जीरो पर रह गया टेम्परेचर, अगर जीरो पर रह गया तो टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो एक्सपेंशन नहीं हुआ, अगर एक्सपेंशन नहीं हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा क्या हो गया सेम, अगर लेफ्ट हैंड साइड पूरा का सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे वापस से इसको सेम कलर ले लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो राइट हैंड साइड इक्वलाइज करेंगे हम, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा एल ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ वन इक्वल इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा अल्फ़ा एल ऑफ आयरन इंटू आएगा डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया और अल्फ़ा तो कैंसिल नहीं हुआ, तो एल ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ यहाँ पे अपने को मिलने वाला है वन, और ये एल्यूमिनियम आयरन के लिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एल्यूमिनियम नहीं आयरन का लेंथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको अल्फ़ा, ये आयरन का था ना, यहाँ पे सब आयरन का था, ये एल्यूमिनियम का था, तो अल्फ़ा ऑफ आयरन और यहाँ पे आएगा अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, अब जो जो डेटा दिया है सभी डेटा को हम लोग पुट कर लेंगे, जैसे हम लोग पुट करेंगे इसके अपॉन वाले वैल्यू को तो जो भी आंसर मिलेगा हमको इसके अपॉन के फॉर्म में वो रेशियो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे अराउंड, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको 24.5 अपॉन 1.9 समथिंग आएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम अपॉन आयरन का वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, ये इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा आपके पास और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, दोनों को यूज़ करना और यहीं से आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का लेंथ और आयरन का लेंथ का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे जो लेंथ वैल्यू मिलेगा आपको मिलेगा 1.47 समथिंग मिलेगा, 1.417 समथिंग, और जो आयरन का मिलेगा हमको 2.91 समथिंग मिलेगा। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, सब मैंने प्रोसीजर बता दिया कैसे सॉल्व करना आपको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11th वन, जो कि बहुत ईजी है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे दिया व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ इफ मेटल इफ 50 डिग्री कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड टू द रेज ऑफ 6 केजी ऑफ मेटल फ्रॉम 20 to 62 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में एस का वैल्यू। ओके, तो ये आपको दिया है टेम्परेचर T1 और T2 दिया है ना, यहाँ पे 50 कैलोरी आपको दिया है, क्यू दिया हुआ है और 6 केजी तो मास दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू एम एस T2 माइनस T1। ओके, बट यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स कैलोरी में गिवन है तो यहाँ पर आपको कैलोरी में ही यूनिट मिलेंगे, मास का वैल्यू 6 पुट किया, एस का वैल्यू फाइंड आउट करना था, T2 अपने पास 62 माइनस 20। ओके, तो यहाँ पे आपको एस का वैल्यू मिल जाएगा, जो भी आएगा आपको कैलोरी के फॉर्म में आंसर मिलेगा, यूनिट कैलोरी मिलेगा। ठीक है, आगे भी यूनिट मिलेगा तो आपको देख लेना। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12th वन. ओके ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कॉपर रॉड विद द टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर डिफरेंस हमको दिया हुआ है जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, डेल्टा टी. ओके डेल्टा टी के वैल्यू की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी ही आपको गिवन है. और 1500 किलो कैलोरी पर सेकंड क्या गिवन आपको, डी क्यू बाई डी टी दिया है ना. कैसे होने पड़ रहा है देखो, 1500 यूनिट क्या दिया है, कैलोरी. कैलोरी क्या है, हीट का यूनिट है. और यहाँ पर सेकेंड आ गया, राइट है. देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, है ना, 1500 आएगा. नॉन नेक्स्ट फाइंड आउट करना है थर्मल रेजिस्टेंस. बहुत ईजी है, ध्यान से देखना बेसिक फार्मूला कंडक्शन का. क्यू इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, के एल डेल्टा टी अपॉन क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में यहाँ पे टाइम टी रहता है. ओके तो इसको जब सिंप्लीफाई करो तो डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं हम इसको, है ना. और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन में हम लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन के एल नहीं रहता है, यहाँ पे एरिया रहता है ना, एरिया. ओके और यही क्या था अपने पास, थर्मल रेजिस्टेंस. यही थर्मल रेजिस्टेंस है और ये डेल्टा टी है, राइट ही नहीं राइट, यस, है ना. अब देखो डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे दिया, तो पुट करता हूँ मैं यहाँ पे 1500 कैलोरी पर सेकंड में दिया हुआ है इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो हमको फाइंड आउट करना नहीं है दिया हुआ है, तो इसको भी मैं पुट कर देता हूँ 30 अपॉन में RTH. तो RTH आपको फाइंड आउट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 0 0 कैंसिल और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा. देखो 3 1 जा और 3 5 जा 50. ओके सो RTH मिलेगा 1/50 जो कि 0.02 समथिंग आपको आंसर मिलने वाला है थर्मल रेजिस्टेंस का. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 समझ करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 13. ओके क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है बस. तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 20 मिनट्स. इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स आपको यहाँ पे दिया है टाइम, ठीक है. टू हीट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द 0 डिग्री सेल्सियस टू हिट्स बॉइलिंग पॉइंट इट रिक्वायर्स 90 मिनट्स. ओके 20 मिनट्स में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 20 मिनट्स में क्या कर रहा है वो, Q1 टाइम्स हीट कर रहा है. Q1 मतलब 20 मिनट्स में हीट कर रहा है, तो 20 मिनट्स में आपको मिलेगा Q1 जो फर्स्ट हीट मिलने वाला हमको. और वहाँ पे अपने पास टेम्परेचर चेंज कितना कर रहा था वो 100 से -0 दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे टेम्परेचर चेंज मिलेगा हमको. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट दिया 90 मिनट्स ऑफ टर्न ऑल ओवर द वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. तो सेकंड बोला है, सेकंड टाइम में क्या हो रहा है 90 मिनट्स में पूरा का पूरा टर्न कर रहा है. ओके तो वाटर से किस में बना दे रहा है, स्टीम में बना दे रहा है ना, वेपर करने कन्वर्जन होने लग रहा है. तो जब वो 90 मिनट्स में यहाँ पे कन्वर्ट करने जाएगा ना, तो बीच में क्या होने वाला है, वेपराइजेशन होने वाला है ना, वेपराइजेशन प्रोसेस होगा. तो बेसिक फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी आएगा यहाँ पे. और यहाँ पे अगर बोलोगे कि तो यहाँ पे Q1 आपको मिलेगा एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी का वैल्यू आपको कितना दिया 100, है ना. डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया आपको 100. जब यहाँ पे देखोगे ना तो डेल्टा टी का आपको वैल्यू 100 दिया है, बट यहाँ पे ना एस का वैल्यू उसने प्रोवाइड किया है 1 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. ओके तो एस का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे. और ये जो Q1 का वैल्यू मिलेगा, और Q1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो Q1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 100 m. ओके और नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड है अपने पास 90 मिनट के लिए दिया है, तो 90 मिनट में तो उसका कन्वर्जन मैं यहाँ पे बताता हूँ. 90 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 5 m के साथ में. कैसे मिल रहा है ध्यान से देखेंगे. देखो 1 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मिनट के लिए क्या आने वाला है Q1 अपॉन 20, है ना. 1 मिनट के लिए Q1 अपॉन 20 क्योंकि 20 मिनट्स था, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 1 मिनट के लिए क्या आएगा Q1 अपॉन 20 आ जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे देखोगे ना सेकंड वाले वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, जो भी अपने पास है 100 m मिला था ना, 100 m, तो 100 m से क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि Q1 अपॉन 20 किया हमने. जब 20 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 5 m मिल जाएगा, राइट है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे 90 × 5 m कर दिया, तो कितना आ जाएगा 450 m. ओके m के फॉर्म में मिलेगा. अब यहाँ पे जैसे ही 450 m मिल गया तो ये हमको मिल रहा है टोटल, और टोटल ही क्या होता है, टोटल ही 450 m मिल रहा है ना. टोटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम इन टू एल, है ना. सो mm कैंसिल हो गया और l का वैल्यू मिल गया 450 लैटिन रेट ऑफ वेपराइजेशन. यही हमारे पास वैल्यू है कैलोरी पर यूनिट, क्या आएगा कैलोरी पर ग्राम. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान से देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ स्टील प्लेट्स 4 सेंटीमीटर थिक दिया है. तो थिकनेस आपको दिया हुआ है, दैट इज डेल्टा एक्स गिवन है 4 सेंटीमीटर के फॉर्म में. और व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 400 कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर एट स्टेडी स्टेट. ओके तो 400
किलो कैलोरी पर मिनट और पर स्क्वायर मीटर, तो पर मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे आप ना यूनिट के थ्रू इसके वैल्यू को फाइंड आउट करो, तो क्यू दिया आपको और नीचे मिनट मतलब सेकंड की बात किया, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की बात किया, तो क्यू अपॉन ए इंटू एस का वैल्यू दे दिया उसने। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी का भी वैल्यू उसने प्रोवाइड किया, कितना 0.026 किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड इंटू क्या आएगा कैलविन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा के ए इंटू डेल्टा टी अपॉन क्या आएगा डेल्टा एक्स, राइट है, यस। और यहाँ पे सेकेंड लिख दिया, यहाँ पे टाइम टी के तो टी आ जाएगा ना। ओके, और यहाँ पे टी से डिवाइड किया तो ये ए को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो फार्मूला हमको कुछ इस टाइप से मिलने वाला है, के इंटू डेल्टा टी अपॉन क्या आएगा डेल्टा एक्स। ओके, और इसका वैल्यू उसने प्रोवाइड किया, तो इसी इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 400 आ गया यहाँ पे, के का वैल्यू जो है 0.026 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू हमको क्या दिया क्या नहीं, वही तो पूछा है साथ से, यस डेल्टा टी पूछा, डेल्टा एक्स दिया हमको 4 सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 0.04 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद डेल्टा टी को आपको पुट करना और सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर डेल्टा टी रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी था। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत सिंपल होने वाला है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 15 ये इस टाइप के क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व एग्जांपल में ऑफलाइन लेक्चर्स में कराया भी रहूँगा या फिर इसी क्वेश्चन करा रहूँगा, तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया रहूँगा, ठीक है, कोई तो एक क्वेश्चन होमवर्क आपको दिया ही रहूँगा। तो चलो ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ मेटल स्फीयर कूल्स फ्रॉम द 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 6 मिनट। ओके, तो यहाँ पे गिवन डेटा आपको अच्छे समझने की नीड है। तो T1 का वैल्यू दिया आपको 80 डिग्री सेल्सियस, T2 दिया आपको 60 डिग्री सेल्सियस, और नेक्स्ट एक सब कितने मिनट में हो रहा है, 6 मिनट में। ओके, तो यहाँ पे जो 6 मिनट दिया ना आपको DT1 दिया है, कितना दिया है 6 मिनट। ओके, और नेक्स्ट अगेन वैल्यू देखोगे तो नेक्स्ट एक और वैल्यू दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, 60 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 60 तो अपना 60 T2 ही रहेगा और अपने पास जो T3 आ जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, हाँ, अब उसके बाद आपको पूछा कि यहाँ पे इफ द रूम, नहीं पूछा हाउ मच टाइम इट टेक द कूल 60 to 40 जाने में इफ द रूम इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ आपको DT2 का वैल्यू उसने पूछ लिया है। ओके, और यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर दिया आपको, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले 80 से आपका जो रूम था 60 पे गया। ओके, उस टाइम पे रेट आपको प्रोवाइड किया हुआ टाइम के फॉर्म में, फिर 60 से किस पे गया वो 40 पे गया, उस टाइम पे आपको रेट पूछा हुआ टाइम के फॉर्म में। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। और उस बीच में, इसी पूरे बीच में जो सराउंडिंग टेम्परेचर था रूम का कितना था 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम गिवन डेटा यूज़ करने जा रहे हैं, सो फॉर्मूला यूज़ करते हैं DT/DT, यही फॉर्मूला यूज होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्या आएगा C(T)-T0। ओके, तो फर्स्ट वाले के लिखूंगा, तो मेरे पास देखो फर्स्ट जो अपने पास चेंजिंग टेम्परेचर था कितने से कितने गया 80 से 60, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 80 to 60 माइनस हो रहा है। और यहाँ पे हमको क्या करना है DT1 यूज़ करना है, तो DT1 का वैल्यू तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ था 6 मिनट। ओके, मिनट के फॉर्म में पुट कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू सी इंटू क्या आएगा, इसका भी वैल्यू T1 दिया ना, यहाँ पे क्या आने वाला T1 आने वाला है ये फॉर्मूले के लिए, मतलब इस स्टेप के लिए, तो 80 माइनस क्या होगा T0 भी दिया हमको 30, तो यहीं से हमको मिल जाएगा C का वैल्यू और वो मिलेगा 1/15। ओके, तो C का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए DT2 चाहिए, तो हम अगेन फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर 2 के लिए, और यहाँ पे C आएगा T2-T0। ओके, T2 का यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत ईजिली वे में हमको आंसर आने वाला है, ठीक है। तो DT/DT2 को हम लोग यहाँ पे वैल्यू, DT यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होगा फिर से, तो कितना आएगा 60-40, है ना, सेकेंड स्टेप में देखो 60-40 गया, तो 60-40 हो गया, और DT2 तो हमको कैलकुलेट करना था, और C का वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखा था 1/15, और T2 का वैल्यू हमारे पास गिवन था 60-30 T0 गिवन है। ओके, यहीं से सिंप्लीफाई करना और आपको DT2 का वैल्यू मिल जाएगा 10 मिनट्स। ओके, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको वैल्यू मिनट में दिया है तो आपको मिनट में ही आंसर मिलने के चांसेस, आपको सेकंड में कन्वर्ट करने की नीड नहीं, अगर आपके पास एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करके दिखा दो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पूरे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सीरीज़ को, इस चैप्टर को, न्यूमेरिकल्स को समझा रहेगा, ठीक है। तो अब मैं वीडियो एंड करता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो गया, तो आप लोग प्लीज़ अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे, मैक्सिमम फ्रेंड्स को पहुँचाएंगे, और आप लोग पहली बार चैनल देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।